नमस्कार। आज आप और हम भारतवासी अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। शत शत प्रणाम भारत को, भारत गणतंत्र को, भारत के जन जन को, देश की धरती को, मातृभूमि को शत शत प्रणाम। 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर, जब 1950 में इस दिन हम भारतवासियों ने अपने देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था, मैं जसदेव सिंह दूरदर्शन और अपने सहयोगी कमेंटेटर्स कमांडर श्याम वर्मा, ब्रिगेडियर चित्रंजन सावंत, कोमल जी बी सिंह और राजीव मेहरोत्रा की ओर से आप सब देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। अब से कुछ ही देर बाद इस राजपथ पर, राजधानी के इस राजपथ पर भव्य परेड आरंभ होगी और उसके साथ ही आप देख पाएंगे हमारी युवा शक्ति और सांस्कृतिक संपदा की झांकियां। इंडिया गेट पर, अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री जी समस्त देशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा सैनिक परेड की सलामी लेंगे। अमर जवान ज्योति उन सैनिकों की याद में जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। प्रधानमंत्री जी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वहां फूल चढ़ाएंगे। देश कृतज्ञ है उन स्वाधीनता सेनानियों का जिनकी कुर्बानियां रंग लाईं और हम आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 को हमने विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त की। दूर राष्ट्रपति भवन, बौद्ध स्तूपाकार गुंबद और दोनों ओर सचिवालय के दोनों ब्लॉक्स या खंड, उत्तरी और दक्षिणी खंड, और ये 60 फीट चौड़ा राजपथ। संसद भवन 15 अगस्त और उसके बाद 26 जनवरी दोनों ही हमारे देश के ऐतिहासिक दिन हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity.
After nearly 3 years of deliberations, the Constitution was adopted and India became a republic on the 26th of January 1950. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. राजपथ पर अब प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव पधार रहे हैं। इस समय वो इंडिया गेट पधार रहे हैं, जहां अमर जवान ज्योति पर समस्त राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली का मौसम बहुत ही आज खुशगवार, खिली हुई धूप और इस बहती हवा में फहराती हुई राष्ट्रीय पताकाएं इस 7 फीट चौड़े राजपथ के दोनों सलामी मंच के सामने से होते हुए इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट उन सैनिकों की याद में जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में जान दे दी पर आन नहीं दी, मोर्चे पर सदा डटे रहे, वही है वो अमर जवान ज्योति, 24 घंटे प्रज्वलित राजपथ के दोनों ओर। इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकृति का हरा आलोक बिखरा हुआ है और साथ ही है अपार जनसमूह, और यह है इंडिया गेट, वो स्मारक जो याद दिलाता है बहादुरों की, वीरों की। देश की तीनों सेनाओं के ध्वज, सेना ध्वज, नौसेना ध्वज और वायुसेना ध्वज। उनकी राइफल पर यह हल्ला हमेशा याद दिलाता है वीर जवानों की कुर्बानी की, सीमा की रक्षा के लिए जिन्होंने जब भी संघर्ष हुआ डट कर मोर्चा लिया, वीरता दिखाई, भारतीय सेना के शौर्य के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े। और अब कमांडर श्याम वर्मा। थैंक यू जसदेव, एंड वी सी द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड एट द इंडिया गेट टू पे हिज होमेज टू द अमर जवान, एंड देयर इज अ रीथ हेल्ड बाय टू एयरफोर्स मेन। Prime Minister will stand behind the peers and follows the wreath. Once the wreath is laid, the guard will salute and after that the war sounds or shoot Shastra. The buglers will then play the last post, and after that there will be a 2 minute silence right around the country. We shall keep quiet. After the last post, there will be rows, and guard will reverse arms again to slope arms and go to Bazu Shastra thereafter. Prime Minister slowly approaching. Eternal flame, and as you just heard, Thank you.
now the house. The Prime Minister turns around and makes his way towards his car, accompanied by the three chiefs. You can see the three service chiefs, Admiral Shekhawat, Air Chief Marshal Cole, and General Joshi. On either side of the Prime Minister, Mr. Mallikarjun, the Minister of State for Defence. They have paid their homage to the Amar Jawan and now will be heading back down Rajpath towards the saluting dais. For those of you who have not had the pleasure of visiting the capital, Delhi, we now take this opportunity of the next few minutes to show you around Delhi, the sights and sounds of Delhi. Decades, India continues to spearhead the path of progress and technological advance so that each Indian may share an even better tomorrow. Unprecedented growth in food grains production, economic reforms, a vast industrial infrastructure, ample mineral and natural resources, and one of the world's largest pools of scientific and technical manpower promise India a bright industrial future. Our scientists and technologists work devotedly towards the betterment of our nation. Indigenization in the production of defense equipment, armament technology, missiles, tanks, helicopters, and naval systems has produced excellent results. Our space research and meteorological capabilities are comparable to the best in the world. We cherish our dream of making India a nation strong, vibrant, peaceful, and prosperous. And today, each one of us should rededicate ourselves to the aspiration of reaching that cherished goal. And I think the viewers got a little bonus there. They not only saw a bit of Delhi, but they got a very good sight of what is happening in India. And that's the vast congregation that has come to watch the Republic Day Parade. It's a marvelous day in Delhi. It's bright. It's a little on the chilly side. There's a slight breeze, but it's clear. The skies are absolutely blue. And that's the arrival of the Army Chief General Joshi at the dais. After that, he'll be followed by the Navy Chief. He's just coming. That car is the Navy Chief, General Joshi and Mrs. Joshi. The three service chiefs take their position just inside that fence that you saw. That's Admiral Shekhawat and Air Chief Marshal Cole. They're now waiting, the three service chiefs, waiting for the arrival of the Minister of State for Defence, Mr. Mallikarjun. And after that, the Prime Minister. That's the normal routine. The service chiefs have a chance to meet the Prime Minister a little earlier also at the Amar Jawan Jyoti. And then they sit on the presidential dais during the parade. After all, the armed forces are paying or giving salute to the Supreme Commander today. Together, not just from the city, but from all parts of India.
the vast congregation that turns up here. Some of these people have probably left their homes at when the sun was still not up. And that is the God bringing the Prime Minister towards the saluting dais. He is. You can always make out the Prime Minister from the shawl that he has become his hallmark. The Prime Minister arrives. Mr. Mallukarjun, the Minister of State of Defense, he sees him. He then walks up. Be greeted by the three service chiefs. There they are, talking to General Joshi. Now Admiral Shekhawat. And then Air Chief Marshal Cole, and then Mr. Nambiar, the Defense Secretary, is just about covered by the gentleman in the middle. But he meets all three and he moves in. And as he moves in to meet the other dignitaries, it's over to my colleague, Brigadier Chitranjan Saman. Dhanyavad, Commander Verma. Pradhan Mantri Shri P.V. Narasimha Rao. अब अपने मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों तथा अन्य गणमान्य अतिथि जो आए हुए हैं, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पास अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और परस्पर प्रीतिपूर्वक शुभकामनाएं हैं 45वें गणतंत्र दिवस की अभिनंदन और अभिवादन हर्ष और उल्लास का वातावरण राजपथ का दक्षिण शोर आज मौसम भी बहुत ही खुला हुआ है न ठंड है न गर्मी है और यहाँ पर न केवल वही लोग हैं जो कि परेड में भाग लेंगे अथवा दर्शक हैं बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो विकलांग हैं और देख नहीं सकते हैं फिर भी उन्हें एक अवसर दिया गया है और वे यहाँ उपस्थित हैं उपराष्ट्रपति श्री के आर नारायणन और उनकी पत्नी श्रीमती नारायणन का आगमन राष्ट्रपति भवन की ओर से राजपथ पर ये कारों का कारवा दूर तक दोनों ओर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ और प्रातःकाल तो यहाँ गीत भी बज रहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा उपराष्ट्रपति श्री के आर नारायणन की कार सलामी मंच के सामने प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव अगवानी कर रहे हैं श्रीमती नारायण की भी अगवानी और उनका परिचय श्री मल्लिकार्जुन रक्षा राज्य मंत्री जनरल बिपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष एडमिरल वीएस शेखावत नौसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एस के कौल वायुसेनाध्यक्ष और श्री के नाम्बियार रक्षा सचिव श्री बनर्जी अपर सचिव रक्षा मंत्रालय उसी पंक्ति में अंतिम और निर्दिष्ट स्थान की ओर सलामी मंच जो राजपथ के दक्षिण ओर थोड़ी ऊंचाई पर बना है
सीढ़ियाँ चढ़कर सलामी मंच तक श्रीमती नारायण और श्री नारायण। बहुत वर्षों पहले ये सलामी मंच राजपथ से केवल 6 से 10 फुट पीछे ही उसी स्तर पर 2.5 फुट से 3 फुट ऊंचा बना करता था, किंतु पिछले अनेक वर्षों से अब थोड़ी दूर राजपथ के दक्षिण छोर पर ही थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता है। श्रीमती सोनिया गांधी राजपथ पर राष्ट्रपति भवन की ओर से अब जो कार्य आ रही हैं, इनमें श्रीमती विमला शर्मा, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पत्नी, और उनके साथ हैं श्रीमती गोह चाकटोंग, जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री गोह चाकटोंग की पत्नी हैं। श्रीमती विमला शर्मा, अभिवादन स्वीकार किया। श्रीमती गोह चाकटोंग, श्रीमती गोह का अपना निजी नाम भी है तानचू लिंग। चीन मूल के होने के कारण चीनी परंपरा के अनुसार विवाह के पश्चात भी सामान्यतः चीनी महिलाएं नाम का परिवर्तन नहीं करती हैं। श्रीमती गोह वकालत के पेशे में हैं और एडवोकेट एवं सॉलिसिटर दोनों ही हैं। बैठने का निर्दिष्ट स्थान सलामी मंच पर। राजपथ पर राष्ट्रपति एवं मुख्य अतिथि का आगमन और धुन भी गूंज उठी गीत के स्वरों के साथ, स्वागतम अथ स्वागतम सुस्वागतम, क्योंकि राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम श्री गोह चाकटोंग प्रधानमंत्री सिंगापुर, राष्ट्रपति अंगरक्षक सुंदर भव्य सजीले रोबिले सवार उन्नत घोड़े, आकर्षक वेशभूषा, लाल रंग तो बिखर पड़ा है। दो दलों में विभक्त अनुरक्षी हैं, पहला दल राष्ट्रपति की कार के आगे और दूसरा अनुरक्षी दल उसके पीछे। राष्ट्रपति अंगरक्षक की कमान कर रहे हैं कर्नल आदित्य सिंह और उनके उप कमान अफसर हैं मेजर आदिल महमूद। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और मुख्य अतिथि महामहिम श्री गोह चाकटोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनका परिचय विशिष्ट व्यक्तियों से कराया गया। महामहिम श्री गोह चाकटोंग का जन्म 20 मई 1941 को तीनों सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष जनरल जोशी से सर्वोच्च कमांडर से मिल रहे हैं और उसके बाद श्री गोह एडमिरल शेखावत, एयर चीफ मार्शल कॉल से, श्री नंबियार से। 52 वर्षीय श्री गोह की छवि बहुत ही कुशल कर्मठ और सफल प्रशासक की है। श्री गोह ने सिंगापुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री ली और आगे की उच्च शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में ली। हमारे इस गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री गोह हमारे राष्ट्रपति के ठीक
पीछे और अब साथ साथ सलामी मंच की ओर जाते हुए 28 नवंबर 1990 को 49 वर्ष की आयु में आप प्रधानमंत्री बने थे और आपकी रुचि है खेल गोल्फ और टेनिस में। सलामी मंच पर पहुंचते ही राष्ट्रपति अंगरक्षक मध्य देख करेंगे, राष्ट्रीय धुन बजेगी और 21 तोमों की सलामी होगी। अब जसदेव। राष्ट्रपति जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे मान्य अतिथि अब सलामी मंच पर। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे, राष्ट्रीय सलाम मध्य। राष्ट्रपति अंगरक्षकों ने राष्ट्रपति जी को सलामी दी और 21 तोपें गरज गरज कर इस समय भारतीय गणतंत्र का जय जयकार कर रही हैं। अब जबकि राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने कमांडर कर्नल आदित्य सिंह के आदेश पर प्रस्थान कर रहे हैं, आगे का विवरण कोमल जी भी सिंह से। The investiture ceremony now of the presentation of the Ashok Chakra. The valor and self-sacrifice, other than in the face of the enemy, being awarded posthumously to Colonel Neelakantan Nair. And here's his widow now being escorted up to the saluting dais. There'll be a reading of the citation followed by the presentation of the award by Dr. Shankar Dayal Sharma in recognition of the supreme sacrifice made by Colonel Neelakantan Nair for the country. Colonel Neelakantan Jayachandran Nair, 16th Battalion Maratha Light Infantry ke command officer the. Mai se December 1993 tak Uttar evam Madhya Nagaland ke आतंकवाद ग्रसित क्षेत्रों में अपना दायित्व सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनकी बटालियन अपने निश्चित स्थान पर वापस जाने की प्रक्रिया में थी। 20 दिसंबर 1993 को कर्नल नायर अपनी बटालियन की दो कंपनियों का नेतृत्व करते हुए अग्रिम दल के साथ नागालैंड में मोकोकचुंग मरियानी मार्ग पर मौन की ओर जा रहे थे, जब प्रातः 8:40 पर एक विद्रोही गुट ने घात लगाकर आक्रमण किया। पूर्व सुनियोजित तैयारी से किए गए इस हमले में लगभग 100 विद्रोहियों के स्वचालित शस्त्रों की भयंकर गोलीबारी में उस मराठा बटालियन के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 13 जवान शहीद हो गए। कर्नल नायर स्वयं बुरी तरह घायल हो गए, किंतु इससे वे न विचलित हुए न हिम्मत हारे। 10 वर्ष पहले भी 1983 में मिजोरम में विद्रोहियों से जूझने और अपनी दोनों जांघों में गोलियां लगने के बावजूद एक विद्रोही का काम तमाम करने का साहसिक अनुभव था उन्हें। उस सैन्य कार्रवाई में वे बने कीर्ति चक्र विजेता। उसी प्रकार 20 दिसंबर 1993 को नागालैंड में बुरी तरह घायल होने के बावजूद कर्नल नायर
कोहनी और घुटनों के बल रेंगते हुए सड़क के दूसरे छोर पर पहुंचे। उठी हुई पहाड़ी जमीन के सहारे वे खड़े हुए, एक लांस नायक को अपने कंधों पर चढ़ाया और ऊंचाई से गोलीबारी कर रहे विद्रोहियों पर दो हथ गोले फेंकवाए। इससे विद्रोहियों की गोलीबारी रुक गई और इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आक्रमण के लिए पंक्तिबद्ध किया। अडिग मनोबल, अनुपम साहस और दृढ़ निश्चय के साथ कर्नल नायर ने अपने शेष साथी सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए घात लगाने वाले विद्रोहियों पर धावा बोल दिया। बड़ी तत्परता से वे एक कट्टर विद्रोही को अपने अचूक वार से मौत के घाट उतार दिया। घात लगाने वाले विद्रोहियों पर धावा बोलकर आगे बढ़ते समय कर्नल नायर अपने साथी सैनिकों से सदैव आगे रहे। अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी विद्रोहियों से लगातार लोहा लेते रहने के लिए और अंततः उन्हें खदेड़ने में वे मराठा जवानों के लिए सतत प्रेरणा का स्रोत रहे। इस निकट की लड़ाई में लड़ते हुए कर्नल नायर विद्रोहियों की धुआंधार गोलीबारी की चपेट में आ गए और वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। अपनी सुरक्षा की रंच मात्र चिंता न करते हुए धावा बोलने वाले शूरवीर कर्नल का शव मार्ग से 300 मीटर दूर विद्रोहियों द्वारा गोलीबारी शुरू करने की दिशा में पाया गया। कर्नल नायर ने उच्चतम सैन्य परंपरा के अनुरूप अदम्य साहस, अतुल पराक्रम एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपने देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल नीलकंठन जयचंद्रन नायर कीर्ति चक्र की पत्नी श्रीमती मंजू नायर। और अब भारतीय वायुसेना के 4 MI-17 हेलीकॉप्टर सलामी मंच की ओर उड़ान भर रहे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व कर्नल नीलकंठन जयचंद्रन नायर। And now this year's Republic Day parade gets off to a festive start with those 4 MI-17 helicopters coming into view now. Leading the formation, Group Captain R.M. Sridharan. Trooping the national flag and another helicopter with the inter-services flag. And the others showering a flourish of rose petals as jubilant crowds here in Rajpath look to the skies, delighted and enthralled at this wonderful beginning preceding the parade. The whirring of the helicopters slowly fading into the distance and now slowly coming into view, and there again the MI-17 helicopters and a flourish of rose petals in the presidential enclosure. Leading the parade in this open jeep, now approaching the saluting bases, the parade commander Major General Satish Chandar Kashyap, General Officer Commanding Delhi Area. Major General Satish Chandar Kashyap was awarded the Ati Vishisht Seva Medal for his exceptional contribution in handling the insurgency situation in the Manipur and Nagaland sectors. And in recognition of his services in Bhutan, the President awarded him the Ati Vishisht Seva Medal for the second time in 1990, which is indeed a rare honor. Major General Satish Chandar Kashyap, Parade Commander, saluting the President, Dr. Shankar Dayal Sharma. Leading the parade is Major General Satish Chandar Kashyap.
And behind him, the parade second in command, Brigadier Dilip Singh, who is the Deputy General Officer commanding Delhi area and the station commander of Delhi. And in these jeeps of the Corps of Military Police are winners of the Paramveer Chakra, the Victoria Cross and the Ashok Chakra, winners of the highest gallantry awards. The Paramveer Chakra is awarded for the most conspicuous act of bravery and self-sacrifice in the face of the enemy. And the Victoria Cross is a pre-independence gallantry award. This morning, Paramveer Chakra winners Major Rane, Colonel Ashar Singh, Subedar Bana Singh, Ashok Chakra winners, Naik Nar Bahadur Thapa, Lieutenant Colonel Jasram Singh, Subedar Honorary Lieutenant Sundar Singh, Shri Hukam Singh, Shri Lakhan Singh, Shri Govind Singh, Shri Pure Lal, Victoria Cross winner, Subedar Major Honorary Captain Agan Singh Rai, and Subedar Major Honorary Captain Bhandari Ram, Subedar Major Honorary Captain Umrao Singh, and Subedar Major Honorary Captain Gyan Singh. And right behind them, resplendent and stately, the first of the mounted contingents, the 61 Cavalry. A contingent led by Captain Atul Gupta. This is the only surviving horsed cavalry regiment in the world today, the 61 Cavalry, and the regiment has won 20 battle honours and 6 theatre honours. It also has the unique distinction of having led one of the last recorded cavalry charges in history. They've excelled in the field of equestrian sports, and the regiment has won a Padma Shri, 9 Arjuna Awards, besides 3 gold and 4 bronze medals in the Asian Games. इकसठवीं कैवलरी के बाद घुड़सवार सेना के बाद अब राष्ट्रपति जी के सामने से जो टुकड़ी है वो है सेना सेवा कोर का आश्वारोही दस्ता या घुड़सवार दस्ता कैप्टन टी के सिंह की कमान में। इस कोर का प्रमुख कर्तव्य होता है सेना को रसद और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाना। ये सबसे बड़ी और पुरानी टुकड़ियों में से है भारतीय सेना की। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमरेट विभाग के रूप में ये सेवा स्थापित की गई थी। सेना सेवा कोर जिसकी ये टुकड़ी समय राष्ट्रपति जी के सामने इन चुस्त और मुस्तैद घोड़ों पर सवार ये भव्य वेशभूषा में घुड़सवार सैनिक आकर्षक वेशभूषा इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं सप्लाई पेट्रोलियम और परिवहन। खेलों के क्षेत्र में भी सेवा कोर ने बड़ा सम्मान अर्जित किया है। एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इस कोर ने कितने ही पुरस्कार और पदक जीते। हाल ही में अमेरिका में हुई अंतर्राष्ट्रीय टेंट पैकिंग प्रतियोगिता में भी इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए। राष्ट्रपति जी को देश की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति को सलामी देते हुए अब ये दस्ते इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं राजपथ पर। राजपथ दोनों राष्ट्रीय पताकाओं से सजा हुआ धीमी बहती बयार में फहराती हुई हमारी राष्ट्रीय पताकाएं और दूर पृष्ठभूमि में है राष्ट्रपति भवन और उसके दोनों ओर सचिवालय ब्लॉक्स और अब मैकेनाइज्ड कॉलम। सबसे पहले T-72 टैंक कमान कैप्टन जयदीप भौमिक के हाथ में। 69 आर्म रेजिमेंट के T-72 टैंक का यह दस्ता कितनी भी कठिन उबड़ खाबड़ सतह हो धरती हो वहां पर भी ये 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ सकते हैं कहा जाए। इन टैंकों में 125 125 मिलीमीटर बोर गन और मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट तोपें लगी हैं हवाई आक्रमण से अपने को बचाने के लिए हवाई जहाज़ों को मार गिराने के लिए। नाल झुकाकर इन्होंने सलामी दी देश के राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक और भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति को। ये वो हथियार हैं जो युद्ध क्षेत्र में जिनके आवाज से दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। इन पर सवार सैनिक निगाहें दाहिनी तरफ करते हुए राष्ट्रपति जी को सलामी दे रहे हैं।
T-72 टैंकों के बाद अब जो मैकेनाइज्ड दस्ता आ रहा है सलामी मंच की तरफ, वो है भारतीय तोपखाने की 139 मध्यम रेजिमेंट का 155 मिलीमीटर FH-77 बी तोपों का दस्ता, और ये हैं इनके कमांडर मेजर DS त्रिपाठी। 155 मिलीमीटर तोप बहुत ही खतरनाक तोप है। इसकी क्षमता आप ये देखें कि 30.9 किलोमीटर तक इसकी मार जाती है। ये तोप 14 सेकंड में 3 राउंड फायर करने में सक्षम है, और जब ये तोपें गोले छोड़ती हैं दुश्मन कांप कांप उठता है, और इनके आवाज़ के साथ हमारे देश के बहादुरों का हौसला आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है। अब सलामी मंच के सामने कैप्टन संजय सिन्हा के नेतृत्व में जो टुकड़ी आ रही है वो है 210 रॉकेट रेजिमेंट की। रॉकेट लॉन्चर पर 122 MBRL BM-21 ग्राड का दस्ता। BM-21 ग्राड बहुत ही ज़बरदस्त हथियार है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ख़तरनाक भी। इसमें 40 नलकियां या नाले होती हैं जिनमें 20 किलोमीटर की दूरी तक जिनके द्वारा मार की जा सकती है, और 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। ये नालियां और ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, इस समय शांत लेकिन जब मौका पड़ता है देश की सीमाओं की रक्षा का, ये आग उगलती हैं। एक रेजिमेंट जिसमें 18 लॉन्चर होते हैं अपने विध्वंसक प्रभाव द्वारा दुश्मन की सेनाओं में खलबली पैदा कर देती है। और अब मेजर TS गिल की कमान में ये हैं पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली बहुत ही खौफनाक, बर्बादी का तांडव रचने वाली पृथ्वी मिसाइल्स पहली बार ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल की गई है। बहुत ही नई और लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण पृथ्वी मिसाइल दुनिया की आधुनिकतम मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों में से एक है। इस बहुद्देशीय मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में हमारे अपने वैज्ञानिकों ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है, और इन मिसाइल्स पृथ्वी मिसाइल्स के बाद सलामी मंच के सामने अब यह है मेजर जसवंत सिंह नरू का, जो कमान कर रहे हैं ओसा AK वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का। ओसा AK वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली जो 436 436 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट की टुकड़ी है। इस रेजिमेंट के पास दुश्मन के तेज रफ्तार और नीचे उड़ाने भरने वाले लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को गिराने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता है। रूसी भाषा में ओसा का सही अर्थ है ततैया, और ततैया आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है कि उससे मनुष्य भी घबरा जाता है। ये हथियार उसी किस्म के हैं और इनका आदर्श है श्योर शूटर, निश्चित रूप से निशाना, और ये रेजिमेंट अपने युद्धक वाहन पर सज्जित इन मिसाइल से प्रक्षेपास्त्रों द्वारा किसी भी तरह के हवाई हमले का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। मेजर प्रवीण श्रीवास्तव राष्ट्रपति जी को सलामी देते हुए, और उनके पीछे है इस समय शिल्का 144 वायु रक्षा रेजिमेंट की टुकड़ी। शिल्का एक स्वचालित आधुनिक और बहुत ही फायदेमंद कारगर शस्त्र है, जिसमें स्वचालित टुकड़ियां जो हैं वो युद्ध में उनसे वायु रक्षा मिलती है। इनमें लगे ऊर्जा के यंत्र, राडार, कंप्यूटर और 4 तोपें शिल्का को युद्ध के मैदानों में दुश्मन के हवाई जहाज़ों के लिए बहुत ही बर्बादी वाला बना देती हैं। और अब जो टुकड़ी है वो है ZU 23 मिलीमीटर तोप की। कमान कैप्टन श्री कुमार के हाथ में है, जिन्होंने राष्ट्रपति जी को सलामी दी। ZU 23 मिलीमीटर डबल बैरल वायु रक्षा तोपों का ये दस्ता है। ये दस्ता 109 वायु रक्षा रेजिमेंट का है, और ये है राजपथ का विहंगम दृश्य इंडिया गेट से, बहुत ही नैना विराम दृश्य जहां आप और हम इस समय अपने देश की सैन्य शक्ति का दर्शन कर रहे हैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर। राजपथ के दोनों तरफ हरियाली की आभा है, सूर्य का प्रकाश है, सब कुछ सोनाले रंग में, सुनहरे रंग।
राष्ट्रपति जी के सामने अब T-55 ट्रॉल टैंक कमान लेफ्टिनेंट राजीव झवेरी के हाथ में है, जो जीप पर सवार है। इनका प्रयोग युद्ध में टैंकों के लिए माइन फील्ड में करीब 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने के लिए किया जाता है। टॉल टैंकों के आगे लगे हुए 2 रोलर होते हैं, जो सभी प्रकार के टैंक तोड़ सुरंगों के विस्फोट को रोक सकते हैं। इनकी रफ्तार, गतिशीलता, इनकी सुरक्षा और इनकी फायर पावर यानी निशानेबाजी और फायर करने की क्षमता सभी बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। T-55 टैंक 114 आर्म्ड इंजीनियर रेजिमेंट के हैं, जिसे 1973 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति जी के सामने अब ये एकमात्र टैंक कॉम्बैट इंजीनियर ट्रैक्टर, इसकी कमान नायब सूबेदार रत्नाकर सिंह संभाले हुए हैं। ये कॉम्बैट इंजीनियर ट्रैक्टर भारतीय सेना के प्रथम असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट 64 इंजीनियर रेजिमेंट से आई है। कितना भी दुर्गम इलाका हो युद्ध क्षेत्र में, ये तेज गति से चल सकती है और पानी में भी तैरती हुई जा सकती है, जरूरत पड़े तो धरती और पानी दोनों पर 30 मीटर तक की चढ़ाई भी आसानी से चढ़ सकती है। और अब मेरे सहयोगी कमांडर श्याम वर्मा। एंड द नेक्स्ट आइटम दैट्स कमिंग अप बिफोर द प्रेसिडेंट इज द कॉम्बैट असॉल्ट ब्रिज AM-50 एंड द कमांड ऑफ कैप्टन हरि सिंह। दीस ब्रिजेस आर केपेबल ऑफ bridging a gap of 13 meters in 20 minutes during the night, and up to 50 meters can be bridged by the combination of this equipment. Very useful to have in the battlefield. And behind the assault bridge comes, under Major R. Pandey, the mobile troopers carrier terminal, which is under the command of Major Pandey, the first of its kind in the world. The system provides 24 speech channels, 32 telepenetrative channels and 4 computer data channels up to a range of 140 kilometers. Marvelous big huge antennas that you can see. They're on Tatra vehicles. And behind them come the infantry combat vehicle BMP-2 of the 11th Mechanized Infantry Division, and the 3 service chiefs directly behind the president, watching this salute coming in from Major Ravi Sharma, who's commanding the contingent, the BMP-2. They carry a crew of 3 and 7 infantrymen under maximum protection. They also have a 30 millimeter cannon, and Conkers are the main armaments, which you can see very clearly facing the camera, those yellow things. And the gun, the 30 millimeter cannon. Behind the BMP-2 is BRDM under the command of Captain K.S. Rajkumar. This combat vehicle is equipped with Faggot and Concorde anti-tank guided missiles, which can destroy any known armor. And you can see it very clearly behind the officer saluting. And now the first of the missiles, purely Milan missiles. You can just see the one to the right of your screen under the command of Lieutenant Gurpreet Singh Cheema. There he is. This the detachment of this battalion are from the 17th Guards, and they have seen active service in Sechen Glacier. The battalion was also involved in Operation Rakshak that brought about normalcy in Punjab, the Milan missiles. And now the first of the marching contingents being led by the Madras Engineering Group in Centre, Bangalore. They are remarkable in as much as that they have taken part in the Republic Day Parade 5 times since 1981,
and each time they have been declared the winner of best marching column. The Madras Sappers mainly comprise of troops from southern states and they are affectionately called Thambis. The motto is Sarvratra. Madras Sappers of now have won two Mahavir Chakras and many other awards, and that is Second Lieutenant Rambi Kaushik. The 1st Battalion was raised by Robert Clive in 1758, some record. And behind them, the band of Guards and Grenadier Regimental Center under Subedar Major Kundan Singh and Subedar Alam Singh Negi, and they are playing Gangotri. Captain Bhupendra Singh Shekhawat saluting the President, leading the Grenadiers. They have taken part in operations like Pavan, Meghdoot, Bajrang, Rhino and Rakshak. They were raised in Bombay in 1779 and have earned, amongst other things, two Paramveer Chakras and one Ashok Chakra, the Grenadiers. And that is the Rajputana Rifles under the command of Captain S.S. Sihag. Rajputana Rifles, the senior most rifle regiment of the Indian Army, the 1st Battalion raised in 1775. There you have the entire history of the Indian Army in front of you. It had the regiment of distinction winning the first Victoria Cross in 1856. It has won up till now 6 Victoria Crosses, 1 Paramveer Chakra. And the regiment has in its regiment legendary Ram Singh, the Olympic athlete, and behind him the band of the Rajput Regimental Center and Sikh Regimental Center and the Subedar Major of Keshav Singh and Subedar Amrit Singh, they play the tune Jawahar. And now the Sikh Regiment under command of Major R. Diwan, saluting the President. This regiment has won 10 Victoria Crosses, 2 Paramveer Chakras, 2 Ashok Chakras, and 14 Mahavir Chakras. And officers in Chasen Chaman, this regiment have also climbed Mount Everest. And behind them come the Dogra Regiment under the command of Major Rameshwar Singh. The Dogras, as you all know, are inhabitants of Jammu. The regiment was awarded 12 battle honours since independence and it fought relentlessly in 62, 65 and 71 operations. And behind them, the
band of Dogra Regimental Center, Lemon Polka Rifle Center under Subra Major Ramesh Chand and Subra Major Ishwar Singh Krish. They are playing Kadam Badhaye Jao. And now the Garhwa Rifles and the Major P.K. Jetley Regiment will restore the royal title royal for his exceptional gravery. Garhwa Rifles have 4 Mahavir Chakras, 42 Veer Chakras, 1 Ashok Chakra and many other decorations to their credit. Behind the Dogras come, Garhwa Rifles come, Bihar Regiment, commanded by Major Nikhil Kulkarni. This regiment has seen action in Burma, Lusha Brigade and Malaya as a part of Zipper operations. And since independence has taken part in virtually every operation that Indian Army has taken part in. And behind them, the band of Madras Regimental Center and Bihar Regimental Center under command of Major Subedar Major Venu Gopal Nair, they are playing Pragati. धन्यवाद। बहुत ही सुंदर धुन। महार रेजिमेंट की टुकड़ी, मेजर जीवी थपलियाल, वीरता का परिचय, एक परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 29 वीर चक्र, 6 शौर्य चक्र, मंद मंद हवा में ध्वज। श्री पाटिल के साथ 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर कमान मेजर जोगिंदर सिंह। शूरवीरता, बलिदान, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते हैं। विशेष बात, एक महिला अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट अलका खुराना भी इसी दल के साथ मार्च कर रही है। बगल शस्त्र के साथ चटक हाथ। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और आर्मी सर्विस कोर सेंटर उत्तर का बैंड, धुन सिमगढ़। प्रादेशिक सेना 112 जवानों का दस्ता, प्रादेशिक सेना की 126 इन्फेंट्री बटालियन नागरिक सेना। ये सैनिक भी हैं, नागरिक भी हैं। 1965 और 71 के युद्ध में ऑपरेशन रक्षक में भाग लिया। सफेद स्पेट के साथ अब धुन बजाते आ रहे हैं बैंड के लोग, नौसेना बैंड, चीफ पेटी ऑफिसर हीरा सिंह कार्की की कमान में। सुंदर धुन, मधुर, जय भारती। मार्चिंग दस्ता नौसेना का कमान लेफ्टिनेंट कमांडर पीएस चौहान के। प्लेटून अफसरों में नौसेना की पहली महिला अधिकारी भी हैं, सब लेफ्टिनेंट संयुक्ता मिश्रा। इनकी नेवी ब्लू नीली वर्दी पर सफेद स्पैट्स बहुत ही सुंदर लगे। वायुसेना बैंड कॉर्पोरल डी के शर्मा की कमान में, गीत है